फर्स्ट क्ली थोरेटिकली उसको दिखाया था, दर्शाया था फैराडे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पर। और फिर फर्स्टली एक्सपेरिमेंटली जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था वो मिल्कंस, उस एक्सपेरिमेंट फेमस एक्सपेरिमेंट 11th के केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हुएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मिल्कंस वाइल्ड ड्रॉप मेथड, हम चर्चा करेंगे सब चीज़ वो है ना। तो मिल्कंस वाइल्ड ड्रॉप मेथड्स कंफर्म करता है किसको, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज का सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू जो है सो 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। कभी भी चार्ज ड्रॉप पर वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ई 2e 3e 4e मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही आया हर वैल्यू, तो इसका मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कहाँ से आया तो मिल्कंस वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और अब इसका एक्सेप्शन है क्वार्क पार्टिकल है जो हम लोग व्यवहार में लेते नहीं हैं अपने स्तर में, एनसीईआरटी में एक सवाल है, मेरे को सवाल नंबर याद है 31, आप लोग उस सवाल को ही क्या करोगे, अपना 5 लाइन में दिया हुआ है सवाल, उसको थ्योरेटिकली रूप से अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लोगे, और मैं अभी समझा देता हूँ उसको है ना कि क्वार्क है क्या थोड़ा सा। तो क्वार्क ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का भी फ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज है, दो तरह का होगा -e/3 और +2e/3, और क्वार्क का अलग अलग फ्लेवर होता है ना, तो उस फ्लेवर के आधार पर हम लोग चार्ज को क्वार्क को 6 कैटेगरी में बांटते हैं, तीन का चार्ज -e/3 और 3 का चार्ज +2e/3। अब कैसे उसको हम 6 फ्लेवर को लिख देते हैं, याद करा देते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पहले इसको राइट डाउन करो और उसको क्वार्क के बारे में मैं बताता हूँ। क्वार्क देखो भाई, जनरली आप लोग को दो ही क्वार्क की बात करनी है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर चार्ज +2e/3 और डाउन क्वार्क पर -e/3। क्वार्क्स एक्सेप्शन है इसका कि हम लोग तो इसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर अभी जाने कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, लेकिन ये सब रिसेंट रिसर्च का चीज़ है, अपना जो भी है वो कहता है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज हो सकता है, वह दो तरह का क्वार्क होगा, अप क्वार्क इसको +2e/3 को, -e/3 को डाउन क्वार्क बोलेंगे। लेकिन क्वार्क का फ्लेवर होता है जिसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, रेफर टू एज 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। याद करने के लिए मैं वर्ड बना दिया कट, BDS। ये कट 3 तरह के क्वार्क को रिप्रेजेंट करेगा, वो याद करने के लिए बनाए, +2e/3 इस तीनों का होगा, सी से क्या हो गया चार्म फ्लेवर्ड है क्वार्क का, चार्म क्वार्क, अप क्वार्क और टॉप और ट्रूथ क्वार्क बोलेंगे, फ्लेवर्ड उसका कैसा था टॉप और ट्रूथ, +2e/3 फ्लेवर्ड समझते हो आइसक्रीम है तो अब अलग अलग फ्लेवर बोलते हैं, कोई वनीला कोई कुछ चॉकलेट, ये सब फ्लेवर्ड बोला जाता है, तो सब तो वही है तो सब क्वार्क पार्टिकल, लेकिन उसका फ्लेवर्ड नाम अलग अलग दे दिया गया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। BDS याद करने का है, कट और BDS शॉर्ट फॉर्म है, बॉटम और ब्यूटी, डी से डाउन क्वार्क, तो हमको इसी दोनों से काम करना है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के नॉमिनिक्लेचर से, अप क्वार्क के लिए +2e/3 और डाउन क्वार्क के लिए -e/3, और स्ट्रेंज और साइडवेज क्वार्क बोलेंगे। तो ये अप क्वार्क के बारे में थोड़ी जानकारी है, और वो जो मैं सवाल नंबर बोल रहा था 31 उसकी कहानी को बता दूं, उस पर जो सवाल कैसे बनेगा क्या है सो मैं थोड़ा डिस्कस करता। तो अब उस सवाल में कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, वह प्रोटॉन 3 क्वार्क से बनता है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बनता है, और क्वार्क है 2, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब तुमको कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा अप क्वार्क का डाउन क्वार्क में कई गो अप क्वार्क होगा, कितना डाउन क्वार्क होगा जो हमको न्यूट्रॉन मिलेगा, और कई अप क्वार्क और कई डाउन क्वार्क मिलकर क्या होगा है ना, प्रोटॉन बनेगा। और ये कह रहा है कि वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से बनता है, वो जो थ्योरी मतलब प्रॉब्लम में दिया हुआ है थ्योरेटिकल पॉइंट कि 3 क्वार्क से बनता है, तो हम लोग 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सवाल नंबर NCERT का है, क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 31 देख लोगे क्वार्क वाला पीरियड्स। तो कह रहा है तो
तीन कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, यू 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 तीनों क्वार्क, या चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस टू ई बाई थ्री प्लस टू ई बाई थ्री प्लस टू ई बाई थ्री, या मिलकर कितना होगा टू ई, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस या न्यूट्रॉन पर जीरो, तो यह कॉम्बिनेशन फेल है। दूसरा क्या होगा, तीनों क्या हो जाए, डाउन क्वार्क हो जाए, तो माइनस ई बाई थ्री माइनस ई बाई थ्री माइनस ई बाई थ्री, क्या बच गया माइनस ई, यहाँ माइनस ई है, प्रोटॉन के लिए क्या होना चाहिए प्लस ई, न्यूट्रॉन के लिए जीरो, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब चले यू यू डी बना दें, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, कितना टू ई बाई थ्री टू ई बाई थ्री, और डाउन क्वार्क की जगह माइनस ई बाई थ्री, यह क्या देगा सॉल्व करने पर प्लस ई देगा, यानी यह प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। तो यह पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। आज के बाद प्रोटॉन का कंपोजिशन क्वार्क के टर्म में बोला जाए तो यू यू डी, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर क्या फॉर्म करेगा प्रोटॉन, और दूसरा यू डी डी, यू के जगह टू ई बाई थ्री प्लस में माइनस ई बाई थ्री डाउन क्वार्क माइनस ई बाई थ्री, या मिलकर जीरो हो गया, तो यह किसके लिए हो गया न्यूट्रॉन के लिए हो गया। तो प्रोटॉन का कंपोजिशन क्या हो गया यू यू डी, न्यूट्रॉन का कंपोजिशन यू डी डी। अगर बोर्ड के लेवल में पूछेगा तो उसको बनाने का तरीका होगा थोड़ा सा कि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स थ्री है, जिसमें से एन है अप क्वार्क और थ्री माइनस एन जो होगा सो डाउन क्वार्क, और वो दोनों का सम जो होगा सो प्लस ई के बराबर प्रोटॉन के लिए और माइनस ई जीरो किसके लिए न्यूट्रॉन के लिए, तो उसको भी दिखाते हैं, पहले इसको आप कर लो। तो आज के बाद याद रहना चाहिए प्रोटॉन का कंपोजिशन बताओ क्वार्क के टर्म में तो क्या बोलोगे यू यू डी, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनेगा यू डी डी, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनेगा। चलो तो एक कॉम्बिनेशन बनाकर मैं बता दिया कि यू यू डी, दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बना देगा और एक अप क्वार्क का दो डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनेगा। लेकिन उस सवाल को बोर्ड के लेवल में पाँच नंबर वाले में दो नंबर वाले में पूछे तो उसको सवाल को अलग तरीके से लिखना पड़ता बनाना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव मेथड, और आगे के किसी भी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव वाले में पूछा जाए कोई भी एग्जामिनेशन में, तो डायरेक्ट याद रहेगा कि दो तरह का क्वार्क होता है जनरली, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, अप क्वार्क पर प्लस टू ई बाई थ्री डाउन क्वार्क पर माइनस ई बाई थ्री, और प्रोटॉन जो बनेगा यू यू डी, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन जो बनेगा एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क, मतलब तीन ही क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेगा। तो यहाँ हम मानते हैं क्या, लेट एन बी द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स देन थ्री माइनस एन बराबर नंबर ऑफ डाउन क्वार्क, टोटल नंबर तीन है, एन हो गया मान लो दो होगा या जो हो तो दो होगा, तो एक हो जाएगा क्या चीज डाउन क्वार्क, एन का वैल्यू एक हो जाए तो दो क्या हो जाएगा डाउन क्वार्क। अब देखा जाए इसको फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए एन हो गया नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, तो एन इंटू टू ई बाई थ्री प्लस में और थ्री माइनस एन माइनस ई बाई थ्री, यह अप क्वार्क वाला चार्ज, यह डाउन क्वार्क वाला चार्ज, अब मिलकर क्या होना चाहिए प्रोटॉन के लिए तो प्लस ई होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करा जाए, ई ई सब में से कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा थ्री हुआ, यहाँ क्या बचा टू एन, यहाँ बचा प्लस थ्री, सॉरी या माइनस है तो माइनस थ्री, और प्लस
एन या माइनस माइनस प्लस, थ्री एलसीएम ये कैंसिल, बराबर क्या चीज़ वन, कितना होगा थ्री एन बराबर सिक्स, टू एन प्लस एन थ्री इधर आया या प्लस थ्री सिक्स, एन बराबर टू, देयर फॉर फॉर प्रोटोन एन क्या निकल गया टू, दैट इज देयर आर टू, फॉर प्रोटोन देयर आर टू अप क्वार्क्स और यहाँ थ्री माइनस एन, थ्री माइनस एन कितना हुआ, इसके लिए एन बराबर टू के लिए वन हो जाएगा, तो एंड वन डाउन क्वार्क, देयरफोर प्रोटॉन का जो कंपोजिशन होगा वह यू यू डी, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन एलिसिस तो वही रहेगा, एन इंटू टू ई बाई थ्री प्लस में और प्लस थ्री माइनस एन माइनस ई बाई थ्री बराबर जीरो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं इसलिए जीरो लिखा गया, कितना होगा उसको सॉल्व करके फिर वही चीज़ थ्री एन बराबर, इसको सॉल्व किया जाए या कितना हो गया टू एन माइनस थ्री प्लस एन बराबर जीरो, या थ्री इधर जाके जीरो हो जाएगा, कितना हो गया थ्री एन बराबर थ्री, इसलिए एन बराबर वन, दैट इज फॉर न्यूट्रॉन देयर इज वन अप क्वार्क एंड टू डाउन क्वार्क, यह कंपोजिशन, इसलिए क्या होगा न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखोगे यू डी डी, दोनों अपना याद रखना हो गया, याद हो गया आपको, प्रोटॉन के लिए दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, प्रोटॉन बोले तो यू यू डी और न्यूट्रॉन बोले तो यू डी डी। अब इससे रिलेटेड फिर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर अभी दो चार सवाल और देखा जाए कि किसी बॉडी पर यह चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर एन का वैल्यू दो चार पाँच तो फॉलो करेगा पॉसिबल है, और फ्रैक्शन में आ गया 2.5 आ गया, 1/100 1/10 कुछ भी आ गया तो वह पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखें हम लोग क्या चीज़ देखना चाहिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन by a body when body acquires charge of plus one coulomb। पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा loss होगा कि gain होगा, जब body पर कितना charge हो one coulomb प्लस वन कूलम, जब ये प्लस देखे तो क्या हो गया लॉस होगा ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब तो प्लस चार्ज, तो पहला पॉइंट हो गया कि देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर प्लस वन कूलम ऑफ चार्ज बाय द बॉडी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लॉस और गेन करेगा, मतलब यहाँ पर तो क्या हो गया लॉस करेगा, तो सॉल्यूशन में एज चार्ज ऑन द बॉडी is positive, thus body lost the electrons as q बराबर n, therefore n बराबर q by e, here n number of electrons lost,
क्यू बाई ई, क्यू के जगह वन कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको ऊपर ले जाए, क्या लिखोगे 100/16 या × 10⁻¹⁸ या प्लस 19 हुआ, एक जीरो यहाँ ले लिए, एक जीरो इसका वाला हो गया, तो 100 हो गया, 100/16 वो तो गुना भाग कटा हो अपना, यह कट के क्या होगा 6.625 × 10⁻¹⁸। इतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर गया तो बॉडी पर प्लस 1 कूलम चार्ज आएगा। तो आप, मैं बार बार बोलूँगा कि बनाने के बाद आपको ये मेमोरी में फिट हो गया और याद रहना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए, प्लस 1 कूलम चार्ज होने के लिए 6.625 × इसको कर लोगे 116 क्या होगा 96 और कितना और सॉरी 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमसे मिस्टेक हुआ लेकिन आपको एकदम याद रहना है कि 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। कहोगे कि सर यह फ्रैक्शन हो गया, नो × 10⁻¹⁸ है, यह डिसमल कहाँ उड़ जाएगा, कितना जीरो जीरो आ जाएगा, सो इसके बाद 16 जीरो आ जाएगा। तो इतना या ये प्लस वन कूलम चार्ज, माइनस वन कूलम चार्ज होगा तो वो इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। अभी अगर मास इसमें पूछता कितना मास घटेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मास घटेगा, तो कितना मास घटेगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल लिए और इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए 9.11 × 10⁻³⁻¹, उससे गुना कर देंगे तो मास ऑफ मास बॉडी का रिड्यूस होगा इस चार्ज को प्राप्त करने पर, वो निकाला जा सकता है। तो यह सवाल था, तो आज के बाद यह कि प्लस वन कूलम चार्ज है किसी बॉडी पर, इट मीन्स वह 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। आगे देखो अभी इस पर और दूसरे तरह का सवाल। फिर से प्रॉब्लम, इफ X% इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट बाय m g ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, इफ X% इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट बाय m g ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, देन चार्ज ऑन द सैंपल देन चार्ज ऑन द सैंपल इज गिवन एज क्यू बराबर m0 m मास ऑफ m g सैंपल का मास, m0 m z x भी दिया, m भी दिया, z नहीं दिया, n0 नहीं दिया, क्या है सब मैं लिखा था, m0 m z x e/100 × a। इसको प्रूफ करके दिखाना है। इफ X% इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय m g ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, देन चार्ज ऑन द सैंपल इज गिवन एज क्यू बराबर n0 m z x e/100 × a। हेयर n0 इज एवोगाड्रोज नंबर 6.022 × 10⁻²³, याद है सबको। z इज एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, अब सबको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और ये सब याद होना चाहिए, थोड़ा देखोगे इंटरेस्ट लाओगे मूल कंसेप्ट और ये सब मिलकर सवाल बनता है। तो जेड इज एटॉमिक नंबर, मैं जैसे कॉपर बोला कि कॉपर का m g है, 5 g है कॉपर का, तो किसकी चर्चा कर रहे हैं, कॉपर का, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर सबको याद होना चाहिए, पूरे जितने बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, है ना, 12 के बच्चे हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 29।
कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 या 63, इस कहीं पर 64, अपने लोग के सवालों में जहाँ डाटा मिलेगा तो वहाँ 63 जनरली दिया रहता है। तो यहाँ पर जेड हो गया, ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पता ही है ए इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो मैं बोल रहा था कॉपर के सवाल में होगा। आयरन का सवाल होगा तो आयरन के लिए जेड होगा 26, आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक मास 56। अब ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैं पहले भी बोला था पहले लेक्चर में कि पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए हर हमेशा, और हर हमेशा आपके क्लास एग्जामिनेशन हॉल में पीरियोडिक टेबल तो नहीं ना प्रोवाइड रहेगा, वो तो आपके मेमोरी में फिर रहेगा, और तब तो इसका मतलब उसको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या प्रैक्टिस से याद कीजिए या जैसे भी याद कीजिए। बहुत बच्चे एक दो चार बार सवाल बनाते हैं तो उसको क्या याद रहता है, तो बहुत को याद ही होगा ए बराबर एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। अब इसका प्रूफ बता देते हैं, सवाल ही है एक तरह से, न्यूमेरिकल डाटा डालोगे तो क्या होगा, सवाल का रूप बदल जाएगा, कभी आयरन के लिए कभी अल्मीनियम के लिए इस तरह की बात करेंगे। एलिमेंट वो कंडक्ट मेटालिक कंडक्टर वाला ही एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, वही दिखा रहे हैं कि एक्स परसेंट इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट बाई एम ग्राम ऑफ सी सैंपल। अब बताओ क्या जानते हो तुम, एटॉमिक मास है तो ए मास ए ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, एन जीरो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, और एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, जेड एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ए ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एन जीरो इंटू जेड, यूनिटरी मेथड पहले करेंगे, तो पहले लिख लो हेयर ए ग्राम ऑफ गिवन एलिमेंट, वन ग्राम एटम बोला जाता है, ए ग्राम ऑफ गिवन एलिमेंट कंटेंस एन जीरो इंटू जेड, एन जीरो एटम्स और एन जीरो जेड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर एम ग्राम ऑफ सैंपल एन एम ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गिवन एलिमेंट एलिमेंट कंटेंस, यूनिट मास के लिए एन जीरो जेड बाई ए, तो एम मास के लिए तो एम से मल्टीप्लाई करें, एम ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गिवन एलिमेंट कंटेंस एन जीरो इंटू जेड इंटू एम बाई ए इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया एम ग्राम में। अब उसमें से एक्स परसेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 10, यहाँ तक बच्चों समझे, बार बार समझने का कोशिश करो, है ना, एटॉमिक मास में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, और एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर, इट मीन्स ए ग्राम जो होगा एलिमेंट का उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एन जीरो इंटू जेड, तो एम ग्राम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल दी। अब इसका एक्स परसेंट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द सैंपल एन बराबर, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया एन जीरो एम जेड बाई ए, अब उसका एक्स परसेंट तो एक्स बाई 100, कितना लिखोगे, एन जीरो एम जेड एक्स बाई 100 इंटू ए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट का फॉर्मूला निकला। तो चार्ज ऑन द सैंपल क्या होगा, क्यू बराबर एनी पढ़ लिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड के रूप में, तो 10 चार्ज ऑन द गिवन सैंपल क्यू बराबर एनी प्लस होगा, क्या क्योंकि लॉस कर रहा है, तो क्यू बराबर प्लस एन जीरो एम जेड एक्स ई बाई 100 इंटू ए। भैया मैं बोलता हूँ कि रटने का चीज़ है नहीं साइंस,
लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि सारा चीज़ प्रैक्टिस करो, बार बार बोलो और लगे कि फार्मूला याद हो। आज के बाद जब भी इस तरह वाला का सवाल मिले तो तुम्हारे दिमाग में कौंध जाना चाहिए एक बार, एन जीरो एम जेड एक्स ई बाई 100 into a। अब सारा बच्चा आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एन जीरो इज व्हाट, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू याद होना चाहिए। जेड इज एटॉमिक नंबर, क्या है कि सब कुछ। तो इन सारी बातों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर अभी डिफरेंट सवाल इसी पर बन जाएगा रेडीमेड। अगर मान लो 2 ग्राम 2 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, तो यहाँ 2 into उसको ले जाएंगे, ग्राम में यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका एटॉमिक मास जानते हो, उसका एटॉमिक नंबर जानते हो, फिर आयरन के लिए कर दे तो आयरन वाला बात करोगे, अल्मीनियम के लिए कर दोगे तो अल्मीनियम का बात करोगे, अल्मीनियम का एटॉमिक नंबर 30, अल्मीनियम का एटॉमिक मास 27 बोलते हैं। तो इस तरह से बात को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादातर 11th में बहुत सारा चीज़ केमिस्ट्री में सर लोग सिखाए होंगे, आप पढ़े होंगे, और सबको जोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ। आगे भी जुटता चला जाएगा, देखेंगे पूरा आगे। और भी सवाल देखते हैं इस पर अभी, चलिए। तो समझ गए, केवल इस सवाल में एक जोर दो क्या चीज, देन सो दैट लास्ट में प्रॉब्लम में ही सो दैट, तब हम लोग उसको प्रूफ किए सॉल्यूशन। इस तरह से केवल सो दैट लिख जोर दिया जाए इस प्रॉब्लम में, है ना। तब याद रहेगा क्यू बराबर एन जीरो एम जेड एक्स ई बाई 100 into a, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, डिफरेंट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बताया, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, बोर मैग्नेटॉन बताया। बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू आप लोग को याद होगा, कल के क्लास में लिखा है, कल के लेक्चर में मैं बस लिखा दिया था, है ना, 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई पूछे मैग्नेटिक मोमेंट स्केलर या वेक्टर, तो वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन में बोला था, एरिया के डायरेक्शन में लेंगे। और दूसरा इसका डायमेंशन पूछे तो a × l² ए करेंट इंटू एरिया। तो ये सब अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आज बोर्ड के लेवल में इस तरह का क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आगे बात करें हम, कल एक फार्मूला बताए क्यू बराबर एन जीरो एम जेड एक्स ई बाई 100 into a। एम था मास ऑफ सैंपल ऑफ गिवन एलिमेंट, जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज एटॉमिक मास, और एक्स इज नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द सैंपल। एक्स परसेंट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करेगा एलिमेंट के द्वारा, तब ये डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला है, कहीं भी हम लोग फिट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में अलग से कहता है क्या, 2 ग्राम ऑफ कॉपर और 5% इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, लेकिन लिखा गया 5% इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड। डायरेक्ट सवाल में बना दें, सवाल पहले समझ में आया सब बच्चों को कि 2 ग्राम कॉपर का दिया हुआ है, उसमें से 5% इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है, तो उस पर चार्ज बताइए, चार्ज ऑन द सैंपल। सब बच्चा अब यहाँ ध्यान देने का बात है, अब इसमें डायरेक्ट एन जीरो के जगह रखोगे एवोगाड्रोज नंबर 6.022 × 10³⁷, किसी क्वेश्चन के डाटा में 6 × 10³⁰, जो क्वेश्चन के डाटा में रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उस सवाल में पुट करेंगे। मास के जगह 2 ग्राम, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29, कई परसेंट इलेक्ट्रॉन्स बोला रहे 5%, तो 5 लिख देंगे हम, और बाय 100 into a। अब वहाँ तुमको मास दिया रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 63 है, 63.5 जो भी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब
गिव चार व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑन द सैंपल, सो प्राप्त हो जाएगा किस में आएगा आंसर, कूलम्ब में आंसर आएगा। तो इतना डायरेक्ट फॉर्मूला बोलेंगे। अगर कहे क्या 2 मिलीग्राम ऑफ आयरन 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सवाल किताब से रखना करेंगे, एम करीम वाले किताब में भी जिसमें भी है सब में देखते रह जाओगे सवाल। तो हम टास्क देंगे, थोड़ा पढ़ा लेते हैं, पूरा चार्ज कंप्लीट हो जाता है तब टास्क देते हैं, तब उस पर सवाल आप कर दोगे। 2 मिलीग्राम ऑफ एफ ई आयरन है ना, और 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल ऑफ आयरन, फाइंड चार्ज ऑन द सैंपल। खुद क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल ही दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। मैं बोला डायरेक्ट यूज करो, जो समझना था कल के लेक्चर में मैं बताया था ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव की, नहीं तो फिर से इसको भी तोड़ तोड़ के लिखेंगे पूरे को, जैसे कल बढ़ रखा है उस तरह से, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, लेकिन ये रेडीमेड फार्मूला जो कम समय में सवाल तुरंत बन जाए। तो 6.022 करो, 10^23 करो, 2 मिलीग्राम, तो 2 और ग्राम में ले जाना है, कहते हैं एटॉमिक मास हम लोग ग्राम में ले रहे, तो 2 मिलीग्राम, तो 2×10^-3 ग्राम हो गया, आई इंटू मास लिख लिए हम लोग, उसके बाद जेड। अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आपको कॉपर का एटॉमिक नंबर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको याद करना है, और समझ लीजिए सारा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अभी आगे जस्ट बढ़ते हैं इसी में है ना, चार्ज इज कंजर्व, तो मैं न्यूक्लियाई का एग्जांपल सब दूंगा जिसमें आपको 92, 90 इस तरह का एटॉमिक नंबर वाला चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है। तो 26 आई इंटू हम इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ छूट गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज (1.6×10^-19) कूलम, तो कूलम में आंसर आएगा। यहाँ भी इसको ध्यान देना भाई, लाइव क्लास मतलब क्लासेस रहता है तो वहाँ बच्चे बोल देते हैं कि सर वहाँ छूट रहा है, यहाँ एलोन हम पढ़ाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 26 × फिर जेड लिख लिए, एक्स इज 1%, तो 1 और इंटू ई 1.6×10^-19 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ कि आयरन का एटॉमिक मास क्या होगा, क्वेश्चन के डाटा में दिया भी रह सकता है नहीं भी दिया रह सकता है, तो आपको याद होना चाहिए 56। अब ये तो सॉल्व करोगे या कूलम में आंसर आएगा, तो इन तरह का सवाल का डायरेक्ट अल्मोनियम ले लेंगे तो अल्मोनियम के लिए 13 लिख देंगे, इसके लिए 27 लिख देंगे, 1%, 2%, 0.01%, तो 0.01 लिखेंगे, ये रेडीमेड फार्मूला है, इसको दम क्या कर देना है, डायरेक्ट रट्टा मार देना है। इस फार्मूला को कैसे ड्राइव करना है 10 बार कीजिए, जितना बार मैंने समझ में आया करते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को देखते रहिए रिपीट कर करके पीछे, और कब डायरेक्ट रट्टा मार कि MTR भी लिखा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस सब मिल मटेरियल में लिख रहता है MTR, मुझे तो रटना है, तो समझ लो कि इसको रटना है, डायरेक्ट रट्टा मारना है। और स्पेशली जो बायो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के पर्पज़ से पढ़ते हैं तो बोलते हैं डायरेक्ट रट्टा मारोगे फार्मूला को तो डॉक्टर बनने की संभावना बढ़ जाएगी, तो ये सब अपना करते रहे ये फार्मूला। अब मान लो जैसे कहता है क्या 5 ग्राम कॉपर का है और उसके प्रत्येक आइटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है निकल रहा है, तो 5 अब उसमें कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के लिए निकल रहा है, पहले हम 5 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, तो हम लोग इस तरह के इस सवाल में भी हम लोग पहले नंबर ऑफ एटम्स तब इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक नंबर से गुना करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना सैंपल में निकाले थे, तो उसी तरह से क्वेश्चन समझ लो बाबू, 5 ग्राम कॉपर
डायरेक्ट बोलो 63 ग्राम में कितना एटम्स, N0 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.022 × 10³। अब 5 ग्राम में 6.022 × 10³ बाई 63 × 5, यह नंबर ऑफ एटम्स निकला। एक एटम क्या कर रहा है, एक एटम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाई 5 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर, सैंपल ऑफ कॉपर हाउ मच, तो इतना एटम्स है, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो 6.022 × 10³ × 23 × 5/63, ये नंबर ऑफ एटम्स निकला और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। ध्यान देना है थोड़ा सा, 10³ × 23 × 10³ 6.022 × 10³ × 23 × 5 आई इन टू क्या चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। पूरे 5 ग्राम सैंपल से कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, अगर चार्ज ऑन द सैंपल पूछ दे तो क्या होगा, चार्ज ऑन द सैंपल इसको एन से लिख दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितना होगा एन इंटू ई। अब इसको हम लोग क्या कर दे, इसको कर दे 1.6 से इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाइड 6.022 × 10³ × 23 × 5 × 2 हो जाएगा और आसान हो जाएगा, इंटू 1.6 × 10³ − 90/63। यहाँ पर यह चार्ज किस में, कूलम्ब में आएगा, दिस इज योर आंसर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल बनेगा, बेसिक मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में पढ़े फर्स्ट 11th में, उसी हिसाब से एक तरह से निकलते जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। अब एक सवाल है, अब वो नंबर बोले एस सी वर्मा में 10 नंबर है, NCERT में भी एग्जाम्पल में बना हुआ है, NCERT में पूछता है 200 ग्राम ऑफ मतलब सॉरी 1 कप ऑफ वाटर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना नंबर ऑफ होल्स होगा, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होगा, होल्स की बात तो सेमी कंडक्टर में करेंगे वो देखें, तो इतनी बात है। तो वो 10वां सवाल है सी वर्मा में फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में आपको एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कैसे करते हैं, चार्ज की बात करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे है ना, कितना निगेटिव चार्ज होगा कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑन दी होल न्यूट्रल होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, लेकिन यहाँ पूछता है ना एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन पहले लिख लें और उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग इसको, पहले ये रेडीमेड फार्मूला एकदम सबको याद होना चाहिए, इस में लेटर में मतलब इस लेटर का क्या है, तो एवोगाड्रोस नंबर, एम इज़ द मास ऑफ द सैंपल, जेड इज़ एटॉमिक नंबर, एक्स इज परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द सैंपल, तब वो 100 से डिवाइड करें, और डायरेक्ट दो एटम्स एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे 5 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ यह क्या करेंगे, एक्स 5 इलेक्ट्रॉन बुला गया लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करेगा वह 1, 2, 3 मेटल के केसेस में वो यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यह एटॉमिक मास है। फार्मूला याद रहेगा, फिर से बोलना है सारे बच्चों को, क्यू बराबर N0mZXe/100 × A। उसी में फिर सवाल में बोला क्या नंबर दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम टूट निकल रहा है छोड़ रहा है, तो 5 ग्राम कॉपर पर, उसी तरह आयरन के लिए सवाल हो सकता है, किसी के लिए भी सवाल हो सकता है, तो इस तरह से सवालों को डिस्कस करेंगे ज़्यादा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं एक सवाल पर, वही वाटर वाला पर, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 9 है, 9-10 दोनों में, इस अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका है, एस सी वर्मा में है, अपना पेज नंबर ये सब लिख लेंगे, सेकंड वॉल्यूम में ही इलेक्ट्रोस्टैट्स है। देखो कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, पहले 100 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा, है ना। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज उस सैंपल सॉरी नेगेटिव चार्ज 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, 200 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, वो निकाला जा सकता है। नेगेटिव चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। लेकिन अब देखिए कैसे बन रहा है, किसकी बात है, वाटर की बात है। तो वाटर का मॉलिकुलर मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो H2 दो एक तो 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम बने टोटल मास 18 ग्राम, ये मॉलिकुलर मास ऑफ एक मोल ऑफ वाटर का। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेंस 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, फिर H2O तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्सीजन का 8, इसका तो टोटल मिलके क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया एक मॉलिक्यूल में। अभी इस मॉलिकुलर मास 18 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या, तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। अब एक एवोगाड्रोस नंबर से हम लोग इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाइड कर दे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर डायरेक्ट ले चलो, बोलो बोलो 18 ग्राम में कितना था, 18 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बाई 18 और उसको 100 से गुना कर दें तो यह क्या निकल गया, 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेंस 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंस 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 100 बाई 18 इंटू फिर क्या कर दें 10 से मल्टीप्लाइड कर दें तो यह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होगा। अब कहता है यह निकल जाएगा यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन बराबर इतना लिख देंगे, दस नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एन इन टू ई सिक्स, बस कैलकुलेशन की बात है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 बाई 18 ये कूलम में आ जाएगा। अब 10 नंबर सवाल में कूलम्स लॉ आ गए, जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद कूलम्स लॉ होगा जो मेन ओरिजिन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन उसमें बोलता है कि वाटर 100 ग्राम ही है, टोटल नेगेटिव चार्ज एक जगह जमा हो जाता है लुम्प्ड हो जाता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एक जगह लुम्प्ड हो जाता है और उसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। तो मेनली चार्ज की बात करेंगे, ये चार्ज निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक तरफ बीच का सेपरेशन, तो फोर्स निकाला जा सकता है। तो इस 10 नंबर सवाल होगा जिसमें इसी डाटा का हम लोग यूज करेंगे वहाँ पर, तो देखेंगे कूलम्स लॉ के बाद हम उस सवाल को भी देखें। तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा इस सवाल से आगे, देखो भाई बेसिक बात सारे बच्चे को आना चाहिए,
सवाल तो भाई बता दिया, अब समझ में आया नहीं आया ये मामला बनता है फिर से। अब इससे बच्चे को तो समझ में ही नहीं आएगा जिसको मॉलिकुलर मास निकलने नहीं आता है, मॉलिकुलर मास कैसे निकलेगा। अब जैसे आप बता रहे हैं हम CO2 बोलेंगे, अब CO2 का मॉलिकुलर मास तो कार्बन का मास एटॉमिक मास कितना 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 44 ग्राम बोला जाएगा एक मोल का मास, मॉलिकुलर मास तो सारे का आना चाहिए। या वाटर का लिखे तो H2O के आधार पर लिख दिए, है ना। तो पहला काम हो गया कि 18 ग्राम एक मोल किसी, है ना, वाटर का है या जो भी कंपाउंड है उसका एक मोल है। अब एक मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी, तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। इससे पहले वाले में बोल रहे थे एक ग्राम एटम एक एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास में कितना नंबर ऑफ एटम्स, और अभी क्या बोल रहे हैं हम कि इतने एक मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोनों में डिफरेंस अपना समझेंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कैसे निकला, यूनिटरी मेथड से 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स होगा एवोगाड्रोज नंबर के बराबर, तो 100 ग्राम में क्या होगा, एक स्टेप दो स्टेप 20 का गायब किए वो करना पड़ेगा, 12 में तो इतना आपको आना ही चाहिए। तो 6.022 × 10²³ और इनटू क्या कर दिए 100 से मल्टीप्लाइड कर दिए, एक ग्राम के लिए निकाल लिए और 100 ग्राम के लिए, फिर तो यूनिटरी मेथड से निकल गया। अब क्या है, इतना एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। अब उसको हम लोग क्या किए, इस तरह ही एक मॉलिक्यूल वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 से इसको गुना कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन्स, किस में 100 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर रहे तो 250 ग्राम, 200 ग्राम जो रहेगा मास दिया रहेगा उसका, तब निगेटिव चार्ज कितना होगा सो एस्टिमेट कर सकते हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा सो भी आप समझ रहे हो, तो इतना बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ छोटे स्केल पर ही, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ही वैलिड होगा, लार्ज स्केल पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब कोई मान लो अरबपति है, अरबों कमा रहा है मान लो वो, और वो 500 रुपया किसी को दे दिया तो उसके बाद अमाउंट में कोई कमी नोटिस नहीं होगा, वो पूरा उसका उतना ही अरब उतना ही करोड़ रुपया उसके पास अकाउंट में दिखाया जाएगा, तो नेग्लिजिबली स्मॉल का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10²⁻¹⁹ कूलम, बहुत छोटा चार्ज है। अगर हम लोग एक माइक्रो कूलम की बात कर ले, 1 माइक्रो कूलम क्यू बराबर, तो एन हाउ मच, एन बराबर क्यू बाई 1 μ × 10²⁻¹⁶ और 1.6 × 10²⁻¹⁹ आप लोग लिखते थे 6.25 × 10²⁻¹⁹ या ले जाएंगे ऊपर 19 तो 13 हो जाएगा −6 13 अप्रॉक्स 10³³ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन होगा इतना छोटा चार्ज के लिए। और बहुत बड़ा चार्ज ले ले, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, माइक्रोस्कोपिक स्केल की बात करें, लार्ज स्केल की बात करें, तो भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज एकदम नेग्लिजिबल माना जाएगा, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। किसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, किस स्केल पर, तो मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल पर। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑब्जर्वेबल ओनली एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, बहुत बड़े चार्ज पर एक 50 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन के लॉस के उसने चार्ज से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर नेग्लिजिबली डिक्रीज और इंक्रीज की बात होगी, तो इसलिए हम लोग लार्ज स्केल पर मैक्रोस्कोपिक स्केल पर चार्ज को, चार्ज ऑफ द बॉडी को कंटिन्यूस मान लेते हैं।
और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर कर देते हैं हम लार्ज स्केल पर। तो इस बात को थोड़ा सा अपना और तब बात करते हैं, आगे बढ़े हम लोग, चले आगे। अभी मैं बता रहा था इफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज 1 माइक्रोकूलम देन कैलकुलेट, प्लस 1 माइक्रोकूलम कर दे, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost by the particle. अभी जस्ट लिखा है उसमें, उसको क्वेश्चन अलग से बना दो। सॉल्यूशन में दे दूं, हेयर क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलम 10^-6 कूलम, एज क्यू बराबर ए नहीं जानते हैं हम लोग, एन बराबर क्यू बाई ए, कितना होगा 10^-6 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19। इसको कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, 100/16, एक 10 यहाँ से ले लो, ये ऊपर गया 10, ये 10^19 और प्लस 6 माइनस 6 तो 13, और एक 10 एक्स्ट्रा ले लिए तो 10^12। वह मिस्टेक हो रहा था, हमको लग रहा था कि वहाँ हम गलत लिखा रहे थे, थोड़ा 13 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इसलिए मैं फिर उसको प्रॉब्लम में लेकर आया कि कैलकुलेशन करके मैं बताऊँ तो कितना होगा 6.25 × 10^12। लेकिन ऑर्डर वही होगा, जब ये 5 से बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग 10 के ऑर्डर में, 10 के वैल्यू में, तो 10^13 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस लगभग होगा इतना छोटा चार्ज पर, 1 माइक्रोकूलम पर। अब जब बहुत बड़ा चार्ज हो जाए तब तो और भी क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए लार्ज स्केल पर हम लोग किसको इग्नोर कर देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इसका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, दैट इज चार्ज ऑन एनी पार्टिकल और बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स velocity, that is charge is not relativistic, that is charge on any particle or body is independent of frame of reference. ये frame of reference न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, मोस काइनेमेटिक्स में 11th में देखे है ना। और दो तरह का frame of reference होता है, inertial और non inertial। inertial frame वह जिसमें सिस्टम या तो रेस्ट में रहेगा या मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा होगा है नॉन inertial frame of reference जो accelerated frame होगा, variable velocity। या रेस्ट में कोई पार्टिकल है तब 10 कूलम चार्ज है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा वही पार्टिकल तब भी 10 कूलम चार्ज ही होगा, और एक्सेलरेटेड होगा तब भी चार्ज उस पर 10 कूलम ही होगा। तो वह फ्रेम ऑफ रिफरेंस पर नहीं निर्भर करेगा, वह नॉन रिलेटिविस्टिक नहीं होगा। जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस पर निर्भर करेगा, जो वेलोसिटी का फंक्शन होगा, उसको रिलेटिविस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिलेटिविस्टिक। मास इज रिलेटिविस्टिक, मास वैरीज विथ वेलोसिटी,
आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वेलोसिटी के बढ़ने से मास ऑफ द पार्टिकल बढ़ेगा। जब हम लोग वेलोसिटी लाइट से के स्पीड से बहुत कम लेंगे, जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं, तब रेस्ट मास और पार्टिकल जब मूव करेगा उसका मास लगभग बराबर लेते हैं। लेकिन जब पार्टिकल का मास बहुत छोटा हो और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कंपेरेबल टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेरेबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा तो किसी का वेलोसिटी हो ही नहीं सकता है ना, उससे कम ही होगा, हाफ हो, वन थर्ड हो, तब जाके क्या होगा, मास वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ मास बढ़ता है। तो मास बढ़ेगा, मास चेंज होगा वेलोसिटी से, मास इज रिलेटिविस्ट है। हम आगे चार्ट लिखाएंगे चार्ज और मास का कंपेयर, तो उसको सब पहले प्रॉपर्टी चारों पढ़ लेंगे। तब ये सारा पॉइंट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यू बराबर क्यू जीरो चार्ज ऑन मूविंग पार्टिकल, और या क्यू जीरो रेस्ट चार्ज, तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन मास बढ़ता है। मास में क्या होगा भाई, मास के लिए फॉर्मूला है, मास वैरीज विथ वेलोसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसटीआर बोले, लिख लीजिए, बोलते रहेंगे इसको बार बार शॉर्ट में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाला साइंटिस्ट आइंस्टीन था। एम बराबर एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यह रेस्ट मास है, एम जीरो को रेस्ट मास बोलते हैं। वी इज द वेलोसिटी या सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर वी सी के बराबर हो जाए तो यह वन हो जाएगा और सम यह पूरा नीचे वाला टर्म वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो समथिंग बाय जीरो इन्फाइनेट। एम फॉर वी बराबर सी, एम बराबर इन्फाइनेट, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है नो मटेरियल पार्टिकल और नो अदर वेव्स ऑक्यूपाइज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उससे कम ही होगा सब जगह वेलोसिटी। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। थोड़ा इस आगे इसका हम लोग यूज करेंगे जब साइक्लोट्रॉन ये सब पढ़ाएंगे तब, तो सब एक दूसरे से लिंक्ड होते जाएगा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब समझ गए, अगर हम बहुत फास्ट दौड़ेंगे तो मेरा मास बढ़ जाएगा, लेकिन हम पर अगर चार्ज है कुछ तो उस चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो इतना तो आप समझ लीजिए कि चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो इसके बाद ये थोड़ा ईमेल कंप्लीट कर लिए, चार्ज सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट को। अब देखा जाए थर्ड प्रॉपर्टी, जो लंबा ले चलेंगे, लंबा ले चलने का मतलब है कि आगे के चैप्टरों की बात कर लेंगे, न्यूक्लिया ये सब में है ना, उसका रिएक्शन सब लिखना है, न्यूक्लियर रिएक्शन सब। चार्ज इज कंजर्व्ड, थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखाए थे चार्ज इज कंजर्व्ड, उसको लिखा जाएगा। अब वो लिखा दिए थे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाई एनी आइसोलेटेड सिस्टम। अकेला कोई सिस्टम है जिसमें जितना चार्ज रहेगा किसी घटना से पहले, घटना के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन पर होगे, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद, कंजर्वेशन का मतलब ही वही है कि घटना से पहले का टोटल और घटना के बाद का टोटल हुआ क्वांटिटी। जैसे हम लोग डिफरेंट कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात करें तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल इनर्जी इज कंजर्व। तो डिफरेंट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पहले बताए और डिफरेंट कंजर्वेशन प्रिंसिपल अभी के मैं फिर दो थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन करके मैं लिखा देता हूँ डिफरेंट कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन आवर फिजिक। लेकिन अभी चार्ज इज कंजर्व पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। और टोटल चार्ज इज कंजर्व बट टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मे चेंज। अभी इसको समझना है थोड़ा सा, मान लीजिए किसी बॉडी पर 10 माइक्रोकुलम चार्ज,
अब किसी घटना के बाद यह दो चार सेगमेंट में टूट गया, 15 माइक्रो कूलम, और तो दूसरा चार्ज निश्चित तौर पर कितना होगा, 5 माइक्रो कूलम। यहाँ पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रो कूलम था, देर इज नो नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स यहाँ ये कह रहे हैं कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में चेंज, बट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेंस कैच इज कंसर्न। 10 माइक्रो कूलम था घटना से जस्ट पहले, घटना के बाद भी कितना, 10 माइक्रो कूलम। फिर या किसी घटना से इस तरह से हो जाए, कहीं बदल जाए, है ना, या 12 माइक्रो कूलम हो जाए, है ना, माइनस 12 माइक्रो कूलम, मान लो एक चार्ज बॉडिंग इसके अंदर हो गया माइनस चार्ज, और लाना है कि तुमको यहाँ दूसरा चार्ज यहाँ डेवलप होगा, वह दूसरा चार्ज कितना होगा, तो 22 माइक्रो कूलम प्लस में, दोनों को मिला दिए तो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम आ जाएगा क्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि चार्ज इसमें नेगेटिव नहीं था, यहाँ आ गया, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम रिमेंस कैच इज कंसर्न। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इस पर कि चार्ज इज कंजर्व, किसी घटना से पहले का टोटल चार्ज, घटना के बाद का टोटल चार्ज, हम लोग सब पहला एग्जांपल दिए ग्लास रॉड रबिंग वाला केस में, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, देन ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज। अगर ग्लास पर प्लस 10 ई इलेक्ट्रॉन है तो सिल्क पर माइनस 10 ई इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर रबिंग। बिफोर रबिंग ग्लास रॉड इज न्यूट्रल, नेट चार्ज ग्लास पर जीरो है, ये सिल्क पर जीरो है, तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग विल बी जीरो ऑफ दिस सिस्टम, और टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग क्या हो गया, प्लस 10 ई और माइनस 10 ई जीरो। तो यह चार्ज कंजर्वेशन का सबसे पहला एग्जांपल वही लिखा जा सकता है कि ग्लास रॉड और सिल्क को रब रगड़ने पर दोनों चार्ज आ जाता है, लेकिन जितना पॉजिटिव होगा ग्लास पर उतना ही सिल्क पर निगेटिव होगा। टोटल चार्ज रगड़ने से पहले, रबिंग से पहले जीरो था, तो टोटल चार्ज रबिंग के बाद भी जीरो होगा। और डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग और कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर थोड़ा सा लंबा ले चलेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला एग्जांपल सब पर, तो देखते हैं कैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले इसको राइट डाउन कर लेना है, आगे बढ़ा जाए। ठीक छो, सबसे पहला सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क देन इफ चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज प्लस 10 ई देन चार्ज ऑन सिल्क आफ्टर रबिंग विल बी माइनस 10 ई, बिफोर रबिंग ग्लास रॉड इज न्यूट्रल, सिल्क इज न्यूट्रल, टोटल चार्ज विल बी जीरो। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ ग्लास प्लस सिल्क बराबर जीरो बिकॉज बोथ आर न्यूट्रल। आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ ग्लास प्लस सिल्क प्लस 10 ई माइनस 10 ई बराबर जीरो, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। आगे चले थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, डिफरेंट रिएक्शंस की बात कर देंगे हम लोग,
दूसरा एग्जाम्पल में दे दे अल्फा डीके, अल्फा डीके, अल्फा डीके में जो इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो इस तरह से लिखा जाता है एक्स जेड ई। पहले ये सिंबल सारे बच्चे को आना चाहिए, एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट्स और जेड इज जेड रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर न्यूक्लियाइड की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिर्फ, और या मास नंबर बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे। तो यह जो टू इसको पेरेंट न्यूक्लियाई बोले और यह वाई डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। जेड माइनस टू, ए माइनस फोर, और जो मिलेगा टू एच ई फोर या अल्फा पार्टिकल है आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियर। अब प्लस कहते हैं क्यू वैल्यू, इनर्जी प्राप्त होगा, इनर्जी का लिबरेट होगा। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका दूसरा मतलब एक उदाहरण देके, 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम सिंबल एटॉमिक नंबर 92, इसका डिफरेंट आइसोटॉप्स होगा, एटॉमिक नंबर 92 ही होगा, 92U30, 235, 236, लेकिन यहाँ 238 वाला आइसोटॉप्स लिए यूरेनियम जो टूट रहेगा तो दो इसका एटॉमिक नंबर दो से घटेगा, तो घटने का मतलब 90 हो जाएगा, 90 किसका एटॉमिक नंबर है। तो ये सब आपको आना भी, आप 90 थोरियम के लिए लिखते हैं और मास नंबर चार से घटेगा तो 234, या थोरियम का एक आइसोटॉप्स हो गया। अब प्लस 2He4, अब प्लस क्यू वैल्यू बोलते हैं न्यूक्लियर, या क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इनर्जी इमिट करेगा, कितना इमिट करेगा, क्या करेगा, सो इस तरह का सवाल हम लोग कोलिजन चैप्टर में देखे थे कि इनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इनर्जी गेंड, पहले ये रेस्ट में था, बाद में दोनों चलने लगेगा, दोनों का मोमेंटम क्या होगी, इसका मोमेंटम जीरो है तो इस दोनों का मोमेंटम का सम भी जीरो होगा, एक लेफ्ट वर्ड जाएगा तो दूसरे, एक राइट वर्ड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट वर्ड जाएगा, तो इस तरह से टोटल मोमेंटम जीरो होगा। दोनों काइनेटिक एनर्जी, जो गेंड काइनेटिक एनर्जी होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या यूरेनियम न्यूक्लियस रेस्ट में था, टूटने पर दोनों के पास काइनेटिक मोमेंटम आया, काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम पहले जीरो था तो टोटल मोमेंटम बाद में भी जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेगा। जो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगा गेंड काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, उसको बोलेंगे गेंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, या अल्फा डीके हो गया। एक टर्म मैं बताया आइसोटॉप्स, आ रहा है सारे बच्चे को, है ना, आना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट, तो उसको आइसोटॉप्स बोलोगे, है ना। अभी ये जो टर्म है इसमें देखो, यह अलग से मैं बता दूं, या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन और यूरेनियम 92 238, अभी हमको इतने ही से मतलब है दिखाने के लिए, चार्ज इज कंजर्व, इसमें प्लस 92E होगा न्यूक्लियस पर चार्ज, बाद में प्लस 90E प्लस 2E, 92E प्लस 90, तो भैया अल्फा डीके से पहले टोटल चार्ज था प्लस 92E, अल्फा डीके के बाद भी टोटल चार्ज प्लस 92E, इट मीन्स ड्यूरिंग अल्फा डीके चार्ज रिमेंस कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, लेकिन थोड़ा सा आगे की बात कर लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर यूरेनियम 238 क्या होगा बताओ, इसमें मास नंबर क्या है 238, उसमें से हम लोग 92 घटा दें, ये घटा दिए 238 में, तो नंबर ऑफ क्या मिल गया न्यूट्रॉन, और फिर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 92, इसको घटा के देखे कितना होगा, क्या होगा भाई 224 तो 84 और 18 54 होना चाहिए, जोड़ देख लिए 54 है ना, ये 54। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं बोला इतना से काम चल गया चार्ज कंजर्व, लेकिन आगे की बात थोड़ी थोड़ी अब सीखते चलना है, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ 90 थोरियम 234 घटाओगे 234 में से माइनस कितना 90 और 80 घटा 54 आएगा। दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आया, सेम आया। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स को हम लोग आइसोडाइफर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, है ना। आइसोबार में दिखाएंगे कि मास नंबर सेम होगा, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो आइसोडाइफर बोले। आइसोडाइफर में क्या है, दो चार न्यूक्लियाइड्स, ऐसा न्यूक्लियाइड हो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू जिस जिस न्यूक्लियाइड्स के लिए सेम आएगा वैसे न्यूक्लियाइड्स को आइसोडाइफर्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरेनियम 238 और थोरियम 234 आर आइसोडाइफर्स, आर आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स किसको बोलेंगे, सो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस न्यूक्लियाइड्स के लिए सेम होगा उसको हम लोग आइसोडाइफर्स बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक अलग से पॉइंट इसके जस्ट अल्फा डी के जगह, हेयर इन अल्फा डी के पैरेंट न्यूक्लियस, अल्फा डी के पैरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियस आर आइसोडाइफर्स बिकॉज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम फॉर बोथ। तो अल्फा डीके में जो पेरेंट न्यूक्लियस होगा या डॉटर न्यूक्लियस होगा वो दोनों आइसोडाइफर्स कहलाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। अभी एग्जांपल देखा है जिसमें यूरेनियम 238 के लिए भी डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का 54 था, और थोरियम 234 के लिए भी दिखा है 54 है। इसका मतलब यूरेनियम 238 एंड थोरियम 234 आर आइसोडाइफर्स। अब दूसरा दिखा रहे इसी न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर के पार्ट्स का, है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सेकंड एग्जांपल में बोला। अब थर्ड एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देखो पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा डी के पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियस आर आइसोडाइफर्स बिकॉज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम फॉर बोथ। तो अल्फा डीके में जो पेरेंट न्यूक्लियस होगा या डॉटर न्यूक्लियस होगा वो दोनों आइसोडाइफर्स कहलाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। अभी एग्जांपल दिखाए जिसमें यूरेनियम 238 के लिए भी डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का 54 था, और
थोरियम 234 के लिए भी देखा है 54 है, इसका मतलब यूरेनियम 238 एंड थोरियम 234 आर आइसोडाइफर्स। अब दूसरा दिखा रहे इसी न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर के पार्ट्स का है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सेकेंड एग्जाम्पल में बोला। अब थर्ड एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देखो ऑफ चार्ज का बताने जा रहा हूँ, वो आगे का न्यूक्लियस चैप्टर के लिए बात कर रहा है, न्यूक्लियाई के लिए बात कर रहा हूँ है ना। तो एक दिखा है पहले अल्फा डीके में एक नया टर्म्स बताया आइसोडाइफर्स, पता भी होगा केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड्स में, और अपने लोग जब न्यूक्लियाई में आएंगे तो सब आइसोटॉप्स आइसोबार आइसोटॉन्स आइसोडाइफर्स आइसोमर भी, आइसोमर ऑर्गेनिक वाला अलग, यहाँ का आइसोमर अलग होगा, वह न्यूक्लियाई जिसका कंपोजिशन सेम होगा लेकिन एनर्जी लेवल क्या होगा अलग अलग होगा, तो इसी वे न्यूक्लियाइड्स को हम लोग आइसोमर बोलेंगे। अब देखा जाए दूसरा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड एग्जांपल हो गया अपने लोग का, फर्स्ट था ग्लास प्लस सिल्क वाला, दूसरा अल्फा डीके और थर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फोर बी ई नाइन बेरिलियम न्यूक्लियस, पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया जाएगा, अल्फा पार्टिकल आयोनाइज्ड 2He4, अल्फा पार्टिकल में पूछता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ऐसा हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना। अरे छोटा छोटा क्वेश्चन भी मेडिकल इस समय पूछता है, हमको लगता है पिछले साल या उससे पहले साल वाले में नेट में क्वेश्चन था कि अल्फा पार्टिकल कंटेंट्स, तो ऑप्शन था टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, और भी देर सर तो टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, तो आप अभी से चलो यह जब बम्बार्ड कराएंगे बेरिलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल को, तो वह क्या होगा कार्बन का स्टेबल आइसोटॉप C12 6C12 और प्लस एक न्यूट्रल पार्टिकल 0N1, यह न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का सिंबल है। अब देखिए भाई टोटल चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन 4E+2E+6E, टोटल चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन 6E+0, 6E, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड इन एवर प्रोसेस। आगे बढ़ते चले जाए हम लोग, अभी देखने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन, फोर्थ एग्जाम्पल मैं लिखाने जा रहा हूँ पेयर प्रोडक्शन। हो सकता है कुछ बच्चे के मन में अभी क्या असर, लेकिन भैया सारा चीज़ आपके, ये तो आपके 11th का है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि बेरिलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराएंगे तो कार्बन का स्टेबल आइसोटॉप्स C12 और एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा, दैट न्यूट्रल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, और सब न्यूक्लियाई में अपने लोग को सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना है सारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। तो पेयर प्रोडक्शन बताने जा रहे हैं, व्हेन ए गामा रे फोटोन, मैं बताया था कि फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन मूव करेगा तो मास आ जाएगा लेकिन चार्ज में चार्ज नहीं होगा, चार्ज इज हम बोले इनवेरिएंट। तो व्हेन ए गामा रे फोटोन हुज एनर्जी इज इक्वल टू और मोर देन 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes through a nucleus
देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, अब ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आने वाला है, लेकिन जो भी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे एनिहिलेट एनिहिलेट बर्बाद हो जाएगा, फोटोन कन्वर्ट हो जाते, दे एनिहिलेट एंड प्रोड्यूसेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर प्लस ही चार्ज होगा लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के मास के बढ़, तो पॉजिट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन को ई माइनस, प्रोजिट्रॉन को ई प्लस, दैट इज चाहे दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। अब देखो इन पेयर प्रोडक्शन की चार्ज पहले घटना के पहले मतलब बिफोर पेयर प्रोडक्शन टोटल चार्ज कितना है, अब आफ्टर पेयर प्रोडक्शन भी टोटल चार्ज कितना है, दोनों बराबर हो गया तो चार्ज इज कंजर्व्ड की बात साबित होगी। तो क्या हो गया, हेयर टोटल चार्ज बिफोर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन से पहले फोटोन था, चार्ज क्या था जीरो, एंड टोटल चार्ज आफ्टर पेयर प्रोडक्शन प्लस ई और माइनस ई इक्वल टू हाउ मच जीरो, दैट इज टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्यों नाम पर है, तो पेयर बन रहा है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, गामा रे कन्वर्ट हो गया, गामा रे का फोटोन कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो टोटल चार्ज रिमेंस कंजर्व्ड। चलिए पेयर प्रोडक्शन एक नई घटना हो गई न्यूक्लियस का, न्यूक्लियाई का, जब गामा रे फोटोन जिसकी एनर्जी 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो ज़्यादा हो और वह न्यूक्लियस के फील्ड से पास करे तो वह अपने आप को बर्बाद करेगा और वह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनाएगा प्रोड्यूस, दस इट इज़ कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। हम लोग को यहाँ बेसिकली दिखाना है कि टोटल चार्ज पहले का और टोटल चार्ज बाद का, तो यहाँ तो लिखा है दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, एक इक्वेशन लिख दें हम लोग, क्या था गामा कन्वर्ट हुआ गामा फोटोन वह कन्वर्ट हो गया ई प्लस, पहले ई माइनस इलेक्ट्रॉन और ई प्लस, और तब हेयर टोटल चार्ज बिफोर प्रोडक्शन फोटोन है तो जीरो, एंड टोटल चार्ज आफ्टर पेयर प्रोडक्शन प्लस ई माइनस ई एंड प्लस ई, तो टोटल चार्ज जीरो हो गया, दैट इज टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन। अब हम लोग पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन जस्ट इसकी उल्टी घटना होगी, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा बहुत नज़दीक आ जाएगा तो अपने आप को कन्वर्ट एनिहिलेट करेगा और वह फोटोन के रूप में निकलेगा, दो फोटोन जिसकी एनर्जी होगी 0.51 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिखाते हैं उसको हम लोग लिखेंगे पेयर एनिहिलेशन, अगली घटना बताने जा रहे हैं पेयर एनिहिलेशन। आपको चार्ज इज कंजर्व्ड एक लाइन, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड है ना, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जो हम लोग को आगे की तैयारी भी कराते चला जाएगा। तो देखते हैं हम आगे पेयर एनिहिलेशन चार्ज का, सब न्यूक्लियाई से रिलेटेड है। फर्स्ट पर है ग्लास प्लस सिल्क, दूसरा अल्फा डी के, तीसरा डिस्कवरी, चौथा ही फिफ्थ पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेट एनिहिलेशन बर्बाद का दूसरे चीज़ में बदल जाना, पेयर एनिहिलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन
एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर देन दे एनिहिलेट एंड प्रोड्यूसेस टू फोटोन्स ऑफ गामा रे ईच ऑफ एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज कॉल्ड पेयर इनहिलेशन. पेयर इनहिलेशन कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए. वो तो एक लाइन में है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला, चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना. ग्लास प्लस सिल्क वाला उदाहरण दे दिए, पर्याप्त हो गया. लेकिन अब डिफरेंट एग्जाम्पल याद करने का मतलब आगे की तैयारी अभी से शुरू कर दी हो आप न्यूक्लियस ये सब का, और बात को समझे. तो पेयर एनिहिलेशन हेयर ई माइनस ई प्लस गामा प्लस गामा टोटल चार्ज बिफोर पेयर एनिहिलेशन माइनस ई प्लस ई जीरो टोटल चार्ज आफ्टर पेयर एनिहिलेशन 0 + 0 = 0 दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड इन केस ऑफ पेयर एनिहिलेशन. राइट डाउन करें आगे फिर अगला एग्जांपल. ज़्यादा जितना ज़्यादा हम लोग सीख लें अभी से करते चले तो होता जाएगा आगे, बट बहुत सुविधा होगी आगे, है ना. समझ गए बच्चों. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बहुत करीब आएगा तो अपने आप को गायब कर मतलब ख़त्म कर लेगा और वह फोटोन के रूप में कन्वर्ट होगा. कई फोटोन तो दो, और प्रत्येक की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन.